हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन मेकिंग अ प्लान फॉर अ पार्टी। पार्टी का प्लान कैसे बनाया जाए, इस विषय पर दो मित्रों के बीच का वार्तालाप। इस वार्तालाप को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और स्पोकन इंग्लिश की इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी प्ले लिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Meet, we have not spent good time since a long time. Meet, हमने बहुत समय से एक अच्छा समय व्यतीत नहीं किया है. Shall we plan a party? क्या हमें पार्टी की योजना बनानी चाहिए? Yes, it is a good idea. यह एक अच्छा आइडिया है, अच्छा सुझाव है. We will invite all our friends. हम अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करेंगे. I will arrange a party at my place. मैं अपनी जगह पर या अपने घर पर पार्टी को अरेंज करूंगा। Yes, your house is perfect for arranging a small party. हाँ, तुम्हारा घर एक छोटी सी पार्टी को अरेंज करने के लिए या एक छोटी सी पार्टी का व्यवस्था करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। We will plan it on weekends. हम सप्ताह के अंत में इसकी योजना बनाएंगे। It will be good for all friends. यह सभी फ्रेंड्स के लिए या सभी मित्रों के लिए अच्छा रहेगा। Shall we also invite the spouse of our friends? क्या हमें अपने मित्रों के जीवन साथियों को भी इनवाइट करना चाहिए? Spouse का मतलब होता है जीवन साथी, और you can say the meaning of spouse is partner. This can be used for both. It can be used for husband also and it can be used for wife also. I don't think so. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या मैं इससे सहमत नहीं हूँ. We must invite our friends only. हमें केवल अपने मित्रों को ही आमंत्रित करना चाहिए. So that we can enjoy and cherish our past memories. जिससे कि हम enjoy कर सके, आनंदित हो सके और अपनी जो पुरानी यादें हैं उन्हें ताजा कर सके। प्रीत, आई थिंक वी मस्ट इनवाइट देयर स्पाउसेस आल्सो। प्रीत, मुझे लगता है कि हमें उनके पार्टनर को भी बुलाना चाहिए। एज वी ऑल आर बिजी इन आर वर्क्स इन वीक डेज। क्योंकि हम सप्ताह के दिनों में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सो इन वीकेंड्स वी मस्ट बी विद देम। तो इसलिए सप्ताह के अंत में हमें उनके साथ होना चाहिए। Them here denotes to spouse of friends. Them का मतलब यहाँ पर friends के spouse से या partner से है। Preet, I think we must invite their spouses also as we all are busy in our works in weekdays. Yes, you are right. हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। और we can also say yes, you are absolutely right. Absolutely मतलब बिल्कुल। We must give proper time to our spouse. हमें अपने पार्टनर को या हमें अपने जीवन साथी को भरपूर समय देना चाहिए। Yes, so let's plan accordingly. ठीक है या बिल्कुल सही है, तो चलो इसी के अनुसार, according मतलब अनुसार, तो चलो इसी के अनुसार हम योजना बनाते हैं। तो यह एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था। आई होप स्पोकन इंग्लिश में यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के कॉन्वर्सेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे इसी तरह के कॉन्वर्सेशन हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करेंगे।